जयपुर से खबर है, रेजिडेंट्स के कार बहिष्कार से जुड़े एक अपडेट आपको देते हैं। दरअसल कल सरकार के साथ वार्ता विफल रही, आज फिर सरकार के साथ रेजिडेंट्स की वार्ता होनी है। आज भी कार बहिष्कार पर तमाम रेजिडेंट्स रहेंगे। मरीज हितों को देखते हुए इमरजेंसी सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी, उसका बहिष्कार नहीं किया गया है। तो आज फिर सरकार के साथ वार्ता की बात सामने आई है, क्योंकि नाराज हैं, हड़ताल पर एक तरीके से देखा जाए तो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो तमाम नीतियां हैं बॉन्ड की, उसका विरोध कर रहे हैं। और कल सरकार के साथ जो बातचीत होनी थी वो विफल रही, आज फिर से रेजिडेंट्स की चर्चा होनी है, वार्ता होनी है सरकार से। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या चीज़ें निकल कर आएगी। लेकिन बिटवीन आपको बता दें कि इनकी हड़ताल जारी है, सिवाय इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो मरीज हितों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो जारी रखी गई हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, कल विफल क्यों रही वार्ता और आज की वार्ता से क्या उम्मीद है? देखिए, जहां तक वार्ता की बात की जाए तो जो रेजिडेंट हैं वो स्पष्ट तौर पर जो बॉन्ड नीति है उसमें पूरी तरीके से बदलाव चाहते हैं, और सरकार को इसमें एक तो समय चाहिए और सरकार अपनी पॉलिसीज के साथ में काम कर रही है। एक बार को कल जो वार्ता हुई थोड़ी सी सकारात्मक होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं रेजिडेंट्स वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े रहे। ऐसे में सरकार को वक्त चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को वक्त चाहिए, और आज नए सिरे से जो वार्ता है वो रखी गई है। बहरहाल, जहां तक रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार की बात करें तो आज भी जो छठवां दिन है इस कार्य बहिष्कार का, ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मरीजों के लिए राहत दो है। पहली राहत की इमरजेंसी सेवाओं को कार्य बहिष्कार से दूर रखा गया है। दूसरी सबसे बड़ी राहत यह है कि जो अब सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना जिम्मा संभाल लिया है। लगातार कल भी अधीक्षक देखे गए SMS अस्पताल के डॉक्टर अक्षय शर्मा, अपनी पूरी टीम के साथ में डॉक्टर अक्षय शर्मा ने राउंड लगाया, सीनियर डॉक्टर्स को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी और सीनियर डॉक्टर्स ने OPD को संभाला भी। लेकिन ये जाहिर है कि क्योंकि SMS हॉस्पिटल बहुत बड़ा अस्पताल है, बड़ी संख्या में यहाँ पे जो मरीज हैं वो आते हैं, OPD की बात करें, IPD की बात करें, तो जो काम है वो तो प्रभावित होता ही है रेजिडेंट्स की मौजूदगी ना होने से। बहरहाल, आज की जो वार्ता होगी उससे बहुत हद तक ये उम्मीद लगा के देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये गतिरोध टूटेगा और मरीजों को आने वाले दिनों में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है आशुतोष, आप नजर रखिए इस पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका। तो आज सरकार के साथ एक बार फिर से एक राउंड की और बातचीत होनी है। अब देखने वाली बात होगी रेजिडेंट डॉक्टर्स सरकार की आश्वासन पर कितने सहमत होते हैं, क्योंकि हड़ताल उनकी अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के नासिक में